हमारे सौर मंडल में बहुत दूर शनि ग्रह के पार एक विशाल नीले ग्रह है जिसे हम नेपच्यून कहते हैं। नेपच्यून एक रहस्यमय दुनिया है जिसे हम अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक आइसीला विशाल ग्रह है, मतलब यह ज्यादातर आइसीले पदार्थों से बना है। नेपच्यून पृथ्वी से बहुत दूर है, इसीलिए इसे नंगी आंखों से देखना मुश्किल है। नेपच्यून एक बहुत ही ठंडा ग्रह है। यह पृथ्वी से बहुत ठंडा है क्योंकि यह सूर्य से बहुत दूर है। हमने नेपच्यून का दौरा केवल एक बार किसी अंतरिक्ष यान से किया है, वोयाजर 2 के साथ 1989 में। इस फ्लाईबाई ने हमें इस आकर्षक ग्रह को करीब से देखने का पहला मौका दिया। नेपच्यून के पास एक घना वायुमंडल है जो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसमें थोड़ी मात्रा में मीथेन भी है। यह मीथेन ही नेपच्यून को इसका नीला रंग देता है। मीथेन सूर्य से लाल रोशनी को सोख लेता है और नीली रोशनी को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर देता है। नेपच्यून का वायुमंडल 2 मुख्य परतों में विभाजित है, क्षोभ मंडल और स्ट्रेटोस्फेयर। क्षोभ मंडल निचली परत है जहां मौसम होता है। समताप मंडल ऊपरी परत है जहां ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। नेपच्यून हमारे सौर मंडल का सबसे हवादार ग्रह है। नेपच्यून पर हवाएं 1200 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा की गति तक पहुंच सकती हैं। यह पृथ्वी पर आने वाले सबसे तेज तूफानों से 3 गुना तेज है। वैज्ञानिकों का मानना है कि नेपच्यून पर अत्यधिक हवाएं ग्रह की आंतरिक गर्मी के कारण होती है। माना जाता है कि यह गर्मी ग्रह के निर्माण से बची हुई है। यह ऊष्मा सतह पर उठती है और ठंडे वायुमंडल के साथ क्रिया करके शक्तिशाली हवाएं पैदा करती है। भाग 4, नेपच्यून के स्टॉर्म्स। बृहस्पति की तरह नेपच्यून में भी विशाल तूफान आते हैं, लेकिन वे कम समय तक रहते हैं। नेपच्यून पर सबसे प्रसिद्ध तूफान ग्रेट डार्क स्पॉट था। यह एक विशाल तूफान था जो लगभग पृथ्वी के आकार का था। ग्रेट डार्क स्पॉट की खोज वोयाजर 2 ने 1989 में की थी। हालांकि जब हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 1994 में नेपच्यून को देखा तो ग्रेट डार्क स्पॉट गायब हो गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रेट डार्क स्पॉट नेपच्यून के ऊपरी वायुमंडल में एक छेद रहा होगा। उनका यह भी मानना है कि स्कूटर या स्मॉल डार्क स्पॉट जैसे अन्य तूफान भी वातावरण में छेद हैं। भाग 5, चांद और रिंग्स। नेपच्यून के 14 जात चांद हैं। सबसे बड़ा चांद ट्राइटन हमारे सौर मंडल की सबसे दिलचस्प वस्तुओं में से एक है। ट्राइटन एक बहुत ही ठंडी दुनिया है जहां बहुत पतला वायुमंडल है। यह हमारे सौर मंडल का एकमात्र बड़ा चांद भी है जो ग्रह के घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में अपने ग्रह की परिक्रमा करता है। नेपच्यून में छल्लों की एक प्रणाली भी है। ये छल्ले शनि के छल्लों की तुलना में बहुत हल्के हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत सुंदर है। ये बर्फ और धूल के छोटे छोटे कणों से बने हैं। भाग 6, अज्ञात की खोज। नेपच्यून एक आकर्षक ग्रह है जिसके बारे में हम अभी भी सीख रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे सौर मंडल और उसके बाहर अभी भी कितना कुछ तलाशने के लिए बाकी है। वैज्ञानिक हबल जैसे टेलीस्कोप्स का उपयोग करके नेपच्यून का अध्ययन करना जारी रखते हैं। वे नेपच्यून और उसके चंद्रमाओं को और अधिक विस्तार से जानने के लिए नए मिशन भी विकसित कर रहे हैं। ये मिशन हमें इस दूर के आईसीईले जायंट काय ग्रह के निर्माण, विकास और मौसम के पैटर्न के बारे में अधिक जानने में मदद करेंगे। नेपच्यून का अध्ययन करके हम अपने ब्रह्मांड की विविधता और जटिलता को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं।